नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बतला दें, मुकेश अंबानी ने खरीदी है भारत की सबसे महंगी कार। जी आपको बतला दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने एक अल्ट्रा लग्जरी रोल्स रॉयस कनियन एसयूवी खरीदी है जिसकी कीमत 13,14,00,000 रुपए है। जी आपको बतला दें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल और भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी अक्सर अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक और नई शानदार लग्जरी गाड़ी को शामिल किया है जिसकी कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ने एक अल्ट्रा लग्जरी रोल्स रॉयस कनियन एसयूवी खरीदी है जिसकी कीमत 13,14,00,000 रुपए है। ये एक हैचबैक कार है। आरटीओ अधिकारियों की माने तो यह देश में अब तक की सबसे महंगी कार खरीदी में से एक है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार का रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी को साउथ मुंबई स्थित तारदेव क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हुआ था। इस कार को 2018 में लॉन्च किया गया था और जब इसकी प्राइस वैल्यू 6,95,00,000 थी। जी हाँ, लेकिन ऑटो उद्योग के विशेषज्ञों ने मानना है कि कस्टमाइज मॉडिफिकेशन की वजह से इस कार की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। आपको बतला दें, आरआईएल ने जमा किया 20,00,000 रुपए का टैक्स। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने 2.5 टन से ज्यादा वजन वाली और 564 बीएचपी पावर जनरेट करने वाली 12 सिलेंडर कार के लिए टस्कन सन कलर का ऑप्शन चुना है। कार के लिए एक स्पेशल नंबर प्लेट तैयार की गई। अंबानी की इस नई कार का रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी 2037 तक वैलिड है। साथ ही आरआईएल ने वन टाइम टैक्स के तौर पर 20,00,000 रुपए का टैक्स जमा किया और रोड सेफ्टी के लिए अलग से 40,000 रुपए का भुगतान भी किया है। आरटीओ अधिकारी के मुताबिक भारत में खरीदी गई सबसे महंगी कार भी हो सकती है। आरआईएल ने अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नई कार के वीआईपी नंबर हासिल करने के लिए 12,00,000 रुपए का भुगतान किया है जिसका नंबर 0001 पर एंड होता है। आमतौर पर एक वीआईपी नंबर की कीमत 4,00,000 रुपए होती है लेकिन मौजूदा सीरीज में चुना गया नंबर पहले ही ले लिया गया था। इसके लिए एक नई सीरीज को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि रोल्स रॉयल्स कनियन की खासियत, रोल्स रॉयल कनियन को 2018 में भारत में एक हैचबैक के रूप में लॉन्च किया गया था। यह अंबानी के गैरेज में तीसरा कनियन मॉडल होगा। कुछ अन्य उद्योगपति और बॉलीवुड हस्तियां भी इस मॉडल का इस्तेमाल